बॉक्स ऑफिस में आज तीन फिल्में जो है वो एंट्री कर रही है, एक सिंघम अगेन, तो दूसरा जो है भूल भुलैया 3 है। इस वक्त हम राजधानी पटना के थिएटर में मौजूद हैं। देखिए नौजवान लोग हैं जो दीपावली के अगले ही दिन मूवी देखने आए हैं। कौन सी मूवी के लिए आए? सिंघम अगेन के लिए आए हुए हैं। सिंघम अगेन, आज एक और मूवी है भूल भुलैया 3। हाँ, वो भी है, लेकिन वो नहीं देख पाएंगे क्योंकि सिंघम अगेन का बात अलग है और भूल भुलैया में फनी कॉमेडी पसंद नहीं है, एक्शन मास्ट चाहिए हम लोग को। एक्शन अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत बहुत। अभी तक तो क्लाइमेक्स अभी हुआ है तो बहुत बेटर है और VFX भी बहुत तगड़ा है और अभी थोड़ा बाकी है देखने के लिए और देखेंगे कैसा लगता है, देखने के बाद ही पता चलेगा। अर्जुन कपूर का रोल कैसा लगा? मुझे लगा कि उतना बेटर नहीं कर पाएंगे विलेन में, लेकिन हाँ अभी तक तो पूरा जान डाले हुए मूवी में लग रहा कि हाँ है। अच्छा, जो सिंघम अगेन है उसमें रामायण की सीक्वेंस की बात की जा रही है तो क्या ये पसंद पड़ा? बेटर तरह से दिखाया जा रहा है, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, बस वो करेक्टर को ही लिया जा रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है जो अच्छा लग रहा है देखने में। और है, इनसे भी बात करेंगे, कौन सी मूवी देखने आए? सिंघम अगेन। सिंघम अगेन क्यों? मतलब बहुत दिन से मतलब ट्रेलर का देखा था तो मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका ट्रेलर देख कर, इसी कारण मैं मूवी आज देखने आए। आज भूल भुलैया 3 भी? हाँ, आज भूल भुलैया 3 भी है। मतलब इसको मतलब संडे को देखेंगे। संडे को देखेंगे। कैसा लगा कार्तिक आर्यन? बहुत बहुत अच्छा। ऐसे भी 2 भी देखे थे तो बहुत अच्छा था ये मूवी। एक सवाल ये है कि जो सिंघम 3 है उसमें रामायण की छवि दिखाई गई है। हाँ, तो छवि बहुत अच्छा है उसमें, छवि मतलब रामायण का मतलब इसे विधि दिखा रहा है, मतलब पल पल भी छोटा छोटा स्क्रीन इसमें तो बहुत और अच्छा लग रहा है उसमें। बात की जाए तो सिंघम अगेन में जो सलमान खान कैमियो है वो कैसा है? अभी तो अभी दिखाया नहीं है इसमें रिव्यू, इसका लास्ट में अभी पता नहीं चला है तो लास्ट में तो कुछ रिव्यू दे देगा सलमान खान का तो बहुत और अच्छा मूवी हो जाएगा। किसको रेटिंग ज़्यादा देते हैं, सिंघम 3 या भूल भुलैया, सिंघम अगेन या भूल भुलैया? अभी भूल भुलैया 3 तो देखे नहीं है तो अभी कैसे उसको भी रेटिंग दे देंगे। अभी तो इसका अभी सिंघम अगेन 3 है उसका भी देखेंगे रिव्यू। ऐसे तो अभी से फर्स्ट तो है तो अभी अच्छा ही लग रहा मूवी, अभी सेकंड पार्ट में अभी बताएगा। हाँ, अभी हाँ हाउसफुल है अभी थोड़ा सा, अभी सुबह का टाइम है ना तो अभी थोड़ा कम है। देखिए रिव्यू पे बाद में बात होगी, लेकिन आज जब दो मूवीज़ बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुई है तो सिंघम अगेन देखने के लिए जो पटना के नौजवान हैं वो अब थिएटर पहुंच गए हैं। कैमरा सहयोगी शैलेश सिंह के साथ आर्यन आनंद, ABP News पटना।